चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML स्टाइल गाइड की। तो इस लेक्चर में ये बताया जाएगा कि आखिर HTML कोड अच्छी तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, मतलब क्या तरीके होते हैं जिनको फॉलो करके आप एक अच्छा HTML कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसने बताया है कि आपको हमेशा डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करना चाहिए। डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब ये आपको इस तरीके से HTML के सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है HTML डॉक्यूमेंट, इसमें फर्स्ट लाइन आपको ये ज़रूर रखनी चाहिए, मतलब आपको डॉक्यूमेंट टाइप हमेशा डिक्लेयर करना चाहिए। इसके बाद इसने बताया कि जो HTML जो एलिमेंट होते हैं उनके नेम को आपको लोअर केस में लिखना चाहिए। हालांकि आप अपर केस लोअर केस का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तब माना जाता है जब आप जो ये जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ये बॉडी एलिमेंट है, तो इनको आप लोअर केस में लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप ना लिखिए तो बेहतर ही है, आपको लोअर केस में एलिमेंट नेम को लिखना है। और इसके बाद इसने बताया कि आपको जो HTML एलिमेंट होते हैं इनको हमेशा क्लोज करना है, मतलब ओपन टैग आपने इस्तेमाल किया और यहाँ पर क्लोज टैग इस्तेमाल ना किया तो ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा आपको क्लोज ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही जो है एक कम्प्लीट HTML एलिमेंट की डिफिनेशन होती है। इसके बाद है लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स। जो आप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं HTML एलिमेंट में, जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके नेम को भी आपको लोअर केस में लिखना है। ठीक है, HTML अलाउ करता है कि आप अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं, मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा लोअर केस का इस्तेमाल करना है। जैसे इसने हाइपर रेफरेंस href एट्रीब्यूट जो है लोअर केस में लिखा, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। वहीं अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। हालांकि ये अलाउ होता है, आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो आपको लोअर केस में एट्रीब्यूट नेम लिखने हैं। इसके बाद है एट्रीब्यूट वैल्यूज़। जो एट्रीब्यूट के वैल्यू होते हैं, जैसे यहाँ पर है ये एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू क्या है ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हमेशा आपको डबल कोट में या कोट में लिखना है। ठीक है, हमेशा आपको उसे कोट करना है। जैसे कि यहाँ पर है क्लास, ये एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू ये है, तो इसे इसने डबल कोट में लिखा है। ठीक है, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। बैड प्रैक्टिस क्या है कि आप इसे डबल कोट में, यानी कि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू इसे डबल कोट में ना लिखें, तो ये बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। हमेशा आपको डबल कोट या कोट में लिखना है। ठीक, और ये तो सब और भी डिस्टर्ब जो है प्रैक्टिस है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके दो क्लास हैं और दोनों क्लास को आप सिंगल, मतलब बिना कोट के लिख रहे हैं, तो ये तो और ज़्यादा मिस्टेक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इसे तो आपको 100% डबल कोट में रखना पड़ेगा। और इसके बाद है कि आप जब इमेज स्पेसिफाई करते हैं, इमेज लगाते हैं अपने वेब पेज में, तो आपको ये जो तीन एट्रीब्यूट हैं इनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, अल्टरनेट, विद और हाइट। ठीक है, अल्टरनेट जो होता है वो गूगल जो क्रॉलर्स होते हैं या फिर जो भी सर्च इंजन क्रॉलर्स हैं उनकी मदद करने के लिए होता है, और ये यूज़र को भी मदद करता है अगर कोई इमेज वहाँ पर मिसप्लेस हो गई है, मतलब अपने प्लेस पे दिखाई नहीं दे रही वेब पेज पर, तो वहाँ पर उसकी जगह पर जो अल्टरनेट जो एट्रीब्यूट में जो वैल्यू पड़ी हुई होती है, जो टेक्स्ट पड़ा होता है, वही उस इमेज की जगह पर दिखता है अगर इमेज मौजूद ना हो। और इसके बाद विड्थ और हाइट को भी आप मेंशन आपको करना चाहिए, ये बताना चाहिए कितनी विड्थ और हाइट है इमेज की। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट एट्रीब्यूट और आप विड्थ और हाइट स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए यहाँ पर CSS अप्लाई किया गया है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट में आप विड्थ प्रॉपर्टी और हाइट प्रॉपर्टी का भी आप इस्तेमाल करिए और इनमें वैल्यू भी आपको डालनी है, ये बताना है कि इस ये जो इमेज है इसकी क्या हाइट और विड्थ है। ठीक है, तो तीन एट्रीब्यूट बताया इसने, तो यहाँ पर जो हाइट और विड्थ है यहाँ पर इसने CSS के जरिए यहाँ पर हाइट विड्थ को डाला, तो इसको हम लोग CSS प्रॉपर्टी बोलेंगे। विड्थ क्या है CSS प्रॉपर्टी, हाइट भी CSS प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहें तो इस CSS के जरिए जो आपने हाइट और विड्थ को सप्लाई किया है, इसकी जगह पर आप HTML हाइट विड्थ एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जब भी इमेज इस्तेमाल करिए तो इसमें ये एट्रीब्यूट आपके शामिल होने चाहिए, अल्टरनेट और जो CSS प्रॉपर्टी है हाइट विड्थ, ये भी शामिल होने चाहिए। इसके बाद स्पेसेस एंड इक्वल साइंस। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो HTML होता है वो अलाउ करता है स्पेसेस अराउंड इक्वल साइन। जैसे यहाँ पर इक्वल साइन है तो इसके दोनों तरफ ये स्पेसेस अलाउ करता है। ठीक, तो बट स्पेसेस लेस इज़ ईजियर टू रीड एंड ग्रुप्स एंटिटीज बेटर टुगेदर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अलाउ तो करता है, लेकिन ये अच्छा माना जाता है कि आप जो है डायरेक्ट बिना स्पेस के जो इसकी वैल्यू है
इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू उसे लिखी है, ठीक है। स्पेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर ये इसने यहाँ पर स्पेस दिया और यहाँ पर भी स्पेस दिया, यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया, ठीक है। तो ये बैड प्रैक्टिस मानी जाती है, आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है बिना स्पेस के। उसके बाद अवॉइड लॉन्ग कोड लाइन्स, लंबा कोड आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ब्लैंक लाइन्स और इंडेंटेशन भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। डू नॉट ऐड ब्लैंक लाइन स्पेसेस एंड इंडेंटेशन विदाउट ए रीजन, बिना कारण के आपको ना तो ब्लैंक लाइन ऐड करनी है, ना तो स्पेस ऐड करना, ना तो इंडेंटेशन ऐड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसने बताने की कोशिश की। जैसे यहाँ पर ये अच्छे तरीके से लिखा हुआ कोड है और यहाँ पर ये बैड तरीके से लिखा हुआ कोड है, ठीक। जैसे यहाँ पर दोनों का आउटपुट आपका सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर इसने रीडेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा सही लिखा है और यहाँ पर बीच में इसने ब्लैंक लाइन स्पेस इस्तेमाल किया और इंडेंटेशन तो इसने इस्तेमाल नहीं किया है। इंडेंटेशन का मतलब होता है जो लेफ्ट में जो लेवल होता है उसके हिसाब से कितना स्पेस राइट की ओर कोई भी लाइन मूव कर रही है। और ये एग्जांपल दिया हुआ है, गुड लिस्ट एग्जांपल है, जैसे कि इस तरीके से लिखा होता है। यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके बाद कुछ इंडेंटेशन के बाद जो है, दो इंडेंटेशन के बाद ये लिस्ट आइटम आपके हैं, ठीक है। तो इस तरीके को आपको ध्यान रखना है। नेवर स्किप द टाइटल एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट को आप कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ज़रूरी होता है। जब भी आपका जो वेब पेज है उसकी इंडेक्सिंग कर की जाती है गूगल के जरिए, सर्च इंजन के जरिए, तो वहाँ पर टाइटल की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपको हमेशा अपने वेब पेज का एक टाइटल ज़रूर रखना चाहिए, यही यहाँ पे बता रहा है। और इसके बाद ये बता रहा है कि HTML और बॉडी एलिमेंट को आप ओमिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे जो होता है थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक। हाउएवर वी स्ट्रांगली रिकमेंड ऑलवेज ऐड HTML एंड बॉडी टैग्स। तो HTML टैग और बॉडी टैग आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनको अगर आप हटाते हैं तो ये DOM और XML जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, वो क्रैश हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने वेब पेज में HTML टैग और बॉडी टैग दोनों इस्तेमाल करने चाहिए। और हेड टैग को भी आप ओमिट कर सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छा नहीं माना जाता ओमिट करना, ठीक है। तो इसे आपको रखना चाहिए अपने HTML एलिमेंट। उसके बाद क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट्स, तो यहाँ पर इन HTML इट इज़ ऑप्शनल टू क्लोज एम्प्टी एलिमेंट्स। तो एम्प्टी एलिमेंट्स को भी आप जो है वो क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छी मानी जाती है कि आप इसे क्लोज करिए। जैसे कि यहाँ पर है तो इसे इस तरीके से क्लोज किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करिए या फिर इस तरीके से, दोनों आपका अलाउ होता है, ठीक। उसके बाद ऐड लैंग एट्रीब्यूट, लैंग एट्रीब्यूट भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये भी सर्च इंजन और ब्राउज़र की मदद करता है। सर्च इंजन ब्राउज़र जो सर्च इंजन होता है वो इससे ये समझता है कि आखिर इस HTML डॉक्यूमेंट की यानी वेब पेज की में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो लैंग्वेज कौन सी है। तो यहाँ पर ENES लिखा है, HTML जो एलिमेंट है उसमें लैंग एट्रीब्यूट में जब हम लोग ENES देते हैं, ठीक है, तो ये बताता है कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है उसकी लैंग्वेज है US की इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अमेरिका की इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी सर्च इंजन की मदद करने के लिए होता है। तो इसे भी आपको, इस एट्रीब्यूट को भी आपको हमेशा अपने वेब पेज में इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद है मेटा डेटा, तो मेटा डेटा जो होता है वो आपके उसमें ये भी सर्च इंजन के ऑप्टिमाइजेशन में ज़रूरी होता है। तो वेब पेज के प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए और इसके बाद उसका सर्च इंजन किस तरीके से उसकी वेब पेज की इंडेक्सिंग करता है, तो इन दोनों की मदद के लिए आपको लैंग्वेज और जो करेक्टर इनकोडिंग है जो कि आप मेटा एलिमेंट के अंदर देते हैं चार सेट में, तो इनको इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर UTF-18 इनकोडिंग दी है अपने कि आपने इस HTML डॉक्यूमेंट में कौन सी इनकोडिंग इस्तेमाल की है, तो UTF-8 यानी जो भी सिंबल लेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो UTF-8 स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो ये दोनों चीज़ देना ज़रूरी होता है, एक तो ये लैंग्वेज और दूसरा ये मेटा में आपने जो ये चार सेट एट्रीब्यूट में जो ये वैल्यू दी है, तो ये देना ज़रूरी होता है। इससे आपका जो वेब पेज है उसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर पाता है सर्च इंजन, और फिर उसके बाद वेब पेज की इंडेक्सिंग भी ठीक से करता है। इसके अलावा मेटा से ही बहुत सारे और भी डिटेल्स अप्लाई किए जाते हैं इस डॉक्यूमेंट के लिए,
जैसे डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से डिटेल जो कि सर्च इंजन इस्तेमाल करता है, तो उनको आप मेटा में ही दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसी में एक डिस्क्रिप्शन भी है जो कि आप, जिसका एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ ओपन करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए W3 साइट को ही देख लीजिए, इससे हम लोग अगर ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा ना, ये जो है डिस्क्रिप्शन जो होता है, ये मेटा टैग के ज़रिए ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो ये डेटा होता है, इसके ज़रिए, मेटा डेटा के ज़रिए हम लोग मेटा एलिमेंट के ज़रिए डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो मेटा डेटा को हमेशा इंक्लूड करना चाहिए, ये भी सर्च इंजन की मदद करता है ये समझने में, यानी जो आपका वेब पेज है वो किस बारे में है, किस चीज़ के लिए है, वो किस चीज़ के लिए बना है, किस उद्देश्य के लिए बना है। इसके बाद सेटिंग द व्यूपोर्ट। व्यूपोर्ट के सेट करने से क्या होता है, आपका जो वेब पेज है वो हर एक तरह के छोटी बड़ी डिवाइस पर अच्छे से डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो आपको ये जो कोड है, इस कोड को हमेशा आपने वेब पेज में, यानी कोडिंग में, HTML कोडिंग में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आप नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हैं व्यूपोर्ट, और कंटेंट में आप देते हैं विद इक्वल्स टू डिवाइस विद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये देना ज़रूरी है, और इनिशियल स्केल 1.0, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आपका वेब पेज छोटी बड़ी डिवाइस में अच्छे से डिस्प्ले हो, इसलिए आपको ये ज़रूर शामिल करना चाहिए, यानी व्यूपोर्ट ज़रूर शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेटा टैग में आपको ये चीज़ ज़रूर देनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये बिना मेटा टैग के देखे कितना ख़राब दिख रहा, और मेटा टैग जब इस्तेमाल किया गया तो इस तरीके से आपका वेब पेज दिखेगा, तो अच्छा डिस्प्ले हो रहा है मेटा टैग के ज़रिए। इसके बाद है HTML कमेंट, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल लाइन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगल लाइन में कमेंट, तो इस तरीके से करिए, और मल्टी लाइन में कर सकते हैं तो इस तरीके से कमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आप कोई स्टाइल शीट अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं, तो आप लिंक एलिमेंट का इस्तेमाल करिए, वहाँ पर REL एट्रीब्यूट में स्टाइल शीट दीजिए, और हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट में आप उस CSS फाइल का नाम दीजिए जिसे आप HTML वेब पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से दे सकते हैं, ये एक्सटर्नल फाइल को ऐड करने का तरीका है, ठीक है। और इस तरीके से आप इंटरनल, ये इंटरनल तरीका होता है जिसके ज़रिए आप वेब पेज में ही, अपने HTML वेब पेज में ही, डॉक्यूमेंट में ही CSS को सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से दीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें ये बता रहा है कि जो इंट्रो वाला क्लास है, इंट्रो क्लास वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है, उसमें ये CSS अप्लाई करने की बात की जा रही है। तो इसको तो हम लोग CSS में अभी स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर आप CSS वाला लेक्चर देख सकते हैं। एक ये कंप्रेस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है CSS, जो कि इस इंट्रो क्लास वाले पैराग्राफ एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से इसी को अगर एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा जाए, स्प्रेड फॉर्म में, तो मल्टीपल लाइंस में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बॉडी एलिमेंट में कौन कौन से CSS वैल्यूज, CSS प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, जैसे उसका बैकग्राउंड कलर ये किया जा रहा है, फॉन्ट फैमिली कौन सी इस्तेमाल की जा रही है, फॉन्ट साइज कौन से, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। कलर मतलब होता है टेक्स्ट का कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मतलब जो बैकग्राउंड का कलर है वो, यानी बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा, और कलर सिंगल लिखा हुआ यानी टेक्स्ट का कलर बात कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ओपन ब्रैकेट जो होता है, यानी ये वाला कहाँ पर होना चाहिए, तो ये बोला ऑन द सेम लाइन एज सेलेक्टर, तो ये आपका सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर है, इसी की सेम लाइन में आपका ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। इसके बाद ये बोला कि टू स्पेस का इंडेंटेशन भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक इस इंडेंटेशन ये है, दूसरा इंडेंटेशन ये है, ठीक। और यही सब इसने बता रखा है। और यहाँ पर ये इसने जो इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर है, ओनली यूज़ कोट्स अराउंड वैल्यूज़, जो आपकी ये वैल्यूज़ हैं, जैसे ये CSS प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं, तो इनमें ये बोल रहा है कि आपको इन्हें हमेशा कोट में रखना है, इफ़ द वैल्यूज़ कंटेंस स्पेस, ठीक। तो इसने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपका जो वैल्यू है वो अगर आपके दो वर्ड में है, जैसे एक वर्ड ये है दूसरा वर्ड ये है, तो हमेशा आपको इसे कोट में रखना है, ठीक है, इस तरीके से रखना है। और नॉर्मली अगर उसका नाम ही इस तरीके से पहले से दिया था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ये दो वर्ड होते और ये बीच में ये मिड स्कोर्स नहीं होता, ठीक है, तब आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होता, इसको डबल कोट में रखना होता, ठीक। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू दो वर्ड में है तो उसे आपको डबल कोट में रखना है, जैसे कि यहाँ पे रखना है इसने। और ये कि
जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो इस स्क्रिप्ट एलिमेंट का इस्तेमाल किया टैग का, और इसमें SRC में हम जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम देते हैं विथ इट्स एक्सटेंशन, ठीक। और टाइप एट्रीब्यूट उसमें ज़रूरी नहीं है, ये बता रहा है। इसके बाद एक्सेसिंग HTML एलिमेंट विथ जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के जरिए HTML एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। तो इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी हम लोगों ने देखा है, और कई बार यहाँ HTML एलिमेंट में भी देखा। तो गेट एलिमेंट बाई idemo.initHTML, तो ये बोलता है कि जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है, जैसे ये HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें जो डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसको खोजो और उसके इनर HTML पर ये वैल्यू रख दो, ठीक है। तो इसको मिलता है डेमो ID वाला HTML एलिमेंट कौन सा है, छोटा वाला डेमो यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इसी के इनर HTML क्या होता है, ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, इसके बीच का जो एरिया होता है इसको इनर HTML या कंटेंट ऑफ दिस पैराग्राफ एलिमेंट बोल सकते हैं। तो यहीं पर क्या लिख कर आ जाएगा, ये हेलो लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे, जब ये चीज़ यहाँ पे रख दी जाती है, उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट क्या काम करता है, उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये होता है। उसके बाद आपको फाइल नेम्स जो होते हैं वो भी लोअर केस में लिखने चाहिए, क्योंकि जो वेब सर्वर होते हैं जैसे अपाचे हो गया, यूनिक्स हो गया, ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो छोटी फाइल का नाम ये कुछ और समझेंगे, छोटे लेटर से लिखा हुआ फाइल का नेम, और बड़े लेटर से लिखा हुआ फाइल का नेम ये कुछ और समझेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा लोअर केस फाइल नेम का इस्तेमाल करिए। और ये पढ़ लीजिएगा, इसी में सब दिया हुआ है। और इसके बाद फाइल एक्सटेंशन ये बोल रहा है कि जैसे आप .stm लिखते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा कि .stm दिखाई देता है और कभी कभी .html भी दिखाई देता है, तो दोनों का एक ही मतलब है। इसकी कोई ये नहीं है कि दोनों में कोई अंतर किया जाता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक। आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों अलाउ होते हैं, क्योंकि दोनों को जो वेब ब्राउज़र वेब सर्वर होते हैं दोनों को ही .stm और .html दोनों को वो HTML ही ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और इसको भी पढ़ लीजिएगा कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम्स का क्या मतलब है, कि अगर कोई फाइल का नाम आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो सर्वर क्या होता है, उसके लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऐड कर देता है, जैसे कि index.html, index.stm, default.html, इस टाइप में, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई थी बस। और एक कुछ फाइल एक्सटेंशन थे, जैसे कि जो HTML एक्सटेंशन, HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .html या फिर .stm दोनों अलाउ हैं। CSS जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .css होता है। JavaScript फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन .js होता है। तो इन्हीं एक्सटेंशन से पर्टिकुलर टाइप की जो फाइल है वो बनाई जाती है, ठीक। ये सब थी इसमें।